हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुबीना किचन। आज का रेसिपी है पास्ता रेसिपी। एक बार आप लोग ऐसे पास्ता बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। मैं यहाँ पे 300 ग्राम के आसपास पास्ता ले ली हूँ, तो मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए दी हूँ। तो अभी आधा लीटर के आसपास में पानी ऐड कर दूंगी कढ़ाई में गर्म होने के लिए। देखो थोड़ा थोड़ा उबल आ रहा है, तो मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड कर दूंगी, ताकि जो पास्ता है वो एक दूसरे से ना चिपके। तो अच्छे से ऐसे घुमा लेंगे पानी को। तो देखो पानी में उबल आ रहा है, तो अभी मैं पास्ता डाल दूंगी। हम लोग में किसी कोई कोई है तो उन लोग भी ऐसे बोलते हैं, मुझे कमेंट करके भी बोले, दीदी पास्ता ऐसे चिपक जाते एक दूसरे से। तो मैं बता रही हूँ, आप लोग एक बार ऐसे बनाकर ट्राई कीजिएगा, एक भी पास्ता नहीं चिपकेगा एक दूसरे से, और खाने में भी बहुत लाजवाब है, बहुत टेस्टी है। तो अच्छे से हिला लेंगे पास्ता, तो थोड़ा बॉयल होने देते पास्ता। तो देखो पास्ते में बॉयल आ रहा है, 50% हो गया पास्ता। तो अभी अच्छे से हिला लेते हैं चम्मच से। तो देखो हो गया पास्ता। अभी मैं खाली कर लूंगी कढ़ाई, बैठाई हूँ मैं गैस के ऊपर। अभी मैं थोड़ा सा तेल ऐड कर दूंगी, 50 ग्राम के आसपास आप लोग तेल ऐड कर देना, मैं भी उतना ही कर रही हूँ। तेल को थोड़ा गर्म होने देते। तीन पीस में प्याज लियो, प्याज को डाल दियो पहले, प्याज को थोड़ा ब्राउन कलर कर लेते। अच्छे से प्याज फ्राई कर लेते। तो देखो ब्राउन कलर हो गया, तभी मैं टमाटर ऐड कर दूंगी एक पीस। अभी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेते। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मैं अभी पास्ता डाल रही हूँ। अभी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा वीडियो में। और मैं ज्यादा लंबा नहीं करती हूँ वीडियो, काट काट के मैं देती हूँ वीडियो। प्लीज आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ताकि मैं जो मसाला वगैरह ऐड कर रही हूँ आप लोग को पता नहीं चलेगा। तो ऐसे करके फ्राई कर लेना है, कम से कम 20 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो देखो थोड़ा हो गया है 30%। तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब जैसे सॉल्ट ऐड कर देना, थोड़ा सा चिली पाउडर। अभी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मैं 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करूंगी। सोया सॉस ऐड करने से अच्छा लगता है खाने में। तो अच्छे से पका लेते अब। अभी मैं इसमें 2 चम्मच केसर डालूंगी, जितना अच्छे से फ्राई करेंगे उतना ही खाने में टेस्ट आएगा।
मैं इसमें पास्ता मसाला ऐड कर दूंगी। उसी के बाद अच्छे से 5 मिनट तक पका लेंगे। ताकि जो पास्ता है वो अच्छे से पक जाए और खाने में भी टेस्टी आए। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। और एक साइड में पैन बैठाई हूँ गर्म होने के लिए और थोड़ा सा तेल भी ऐड कर दी हूँ। मैं अंडा फ्राई कर लूंगी। तो अंडा फोड़ दी हूँ मैं। 3 पीस में अंडा ली थी, 3 पीस से अंडा मैं फोड़ रही हूँ। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि जो मैं मसाला वगैरह ऐड कर रही हूँ तो आप लोग को पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ ऊपर से। अभी अंडा को अच्छे से घुमा फिरा के मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके काट काट कर लेते हैं। तो देखो हो गया अंडा फ्राई, पास्ता भी रेडी है। तो मैं पास्ता के ऊपर डाल दूंगी अंडा। अभी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, कम से कम और 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। आप इसके टिफिन बॉक्स में भी ले जा सकते हो। अगर आप लोग के घर में कोई गेस्ट वगैरह आए तो भी बना के खिला सकते हो उन्हें, बहुत ही टेस्टी है, उन्हें पसंद आएगा। तो देखो हो गया पास्ता। तो अभी मैं खाली कर लूंगी प्लेट में। मेरी तरफ से आप लोग के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।